चंपा देवी पार्क में आयोजित दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में सरकारी योजनाओं के साथ साथ विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में खादी उद्योग, हस्तशिल्प, टेराकोटा सहित विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉलों की समुचित व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी के जैन पांडेय ने सभी स्टॉलों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा स्टॉल लगाने वाले लोगों से वार्ता कर उनसे जानकारी हासिल की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी में अपने स्टॉल लगाने वाले लोगों को आश्वस्त किया कि अगर कोई भी दिक्कत या समस्या आवे तो उसे तुरंत महोत्सव समिति के सदस्यों को अवगत कराएं, जिससे उसका मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। आप कौन सी जनपद से आए हैं? नेचुरल जूट बैग है, चौरी चौरा लगाइए जल्दी, बस लग रहा है जल्द से भिजवा दें। जो कहाँ कहाँ जल्दी भिजवा हर दुकान के सामने लगा दें, खाली समय समय पर होते रहे हर दुकान के सामने। ठीक है, भीड़ जुटा पूरा इसमें लगता है, ये पूरा स्पॉन्सर वाले ऑटोमोबाइल वाले हाँ वो पीछे दे दिया सर। हाँ दे लीजिए, 7-8 लाख अभी हमारे पास सर। अगर मतलब ये चमकती हुई महसूस होती है, हमको ऐसा लगता है कि वो चमत्कार, बहुत सारे चमत्कारी हम लोगों के बीच में आ जाते हैं। आपको हवा में हाथ लगाने की क्या जरूरत आ जाता है, आपको कोई ऐसा चमत्कारी बन जाए तो आप सर उस पर एक प्राइस भी रखा हुआ है, जिसमें एक सैनिटाइजर, 5 मास्क और मतलब पर्यावरण संरक्षण। तुम्हारा मोबाइल यूनिट था ना, वो चला गया क्या? हाँ वो तो सफर वाला चला गया था, परमानेंट वाला लग गया। पौधे देंगे फिर वहाँ डिस्प्ले रहेगा और लोग एक तरह से शपथ लेंगे कि वो ये सर पब्लिक। ये सर अभी थोड़ी देर में खोल रहे हैं।
पब्लिक के लिए अलाउ कर दो, पब्लिक तो आते रहे, गाड़ियां नहीं आएंगी, गाड़ियां ना आ जाए, गाड़ियां चेक के सामने लगा दो। इस बार इसको बाहर निकलो, कार्यालय भिजवा दिया जाएगा और जुर्माना भी होगा। आप सभी लोग जो ड्यूटी में आए हुए हैं ध्यान दें। उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण